अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आइसन स्पाइस विद यसरा में आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पतीसा, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है मेल्टेड, और 2 कप ये मैंने मैदा ले लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैं बेसन शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम एक पैन लेंगे जिसमें मेल्टेड घी हम पहले ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। इसके बाद जो हमने 2 कप मैदा और 2 टेबल स्पून हमारे पास बेसन था वो लिया था, वो हम अच्छे से इसको सेक लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी एक खुशबू सी उठने लगे, इतना हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इस तरह से छन्नी से आप अच्छे से इसको छान लेंगे, ठीक है। ये अच्छा सा हमारा सही से छन के सामने आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमने 1 कप पानी लेना है, उसमें 2 कप चीनी लेनी है। जिस कप से आपने पानी मेजर किया है उसी कप से मेजर करके आपने 2 कप चीनी लेनी है। अब हमने चीनी और पानी को इतना पकाना है कि अच्छा सा गाढ़ा इसका शीरा रेडी हो जाए। और इसको चेक हम किस तरीके से करेंगे कि जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो एक बॉल की शेप में आ जाएगा और इसके अंदर चीनी कैरमलाइज ना हो, इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और टाटरी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसको इतना पकाना है कि एकदम गाढ़ी सी चाशनी हमारी रेडी हो जाए। सिरका या लीमू डालने से ये होगा कि आपकी चीनी जो नीचे जाके जमना स्टार्ट हो जाती है तो वो चीनी भी नहीं जमेगी और आपकी चीनी कैरमलाइज भी नहीं होगी, ठीक है। अब हमने इस तरह से चेक करना है कि पानी के बाउल में आपने थोड़ा सा शीरा टिपका के देखना है, उसके बाद हाथ से उठा के उसको चेक करना है। अगर उसकी बॉल बन जाती है तो आपका शीरा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आपका शीरा रेडी हो गया है तो हमने एक खुले बर्तन में उसको निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जैसे जैसे ये ठंडा होगा हमने साइडों से इसको इस तरह से हटाते जाना है, बीच में करते जाना है ताकि ये जल्दी ठंडा भी हो जाए और एक तरफ हो जाए, ठीक है। ये देखें अब ये फाइनल ऐसा हो गया है कि ये जमने लगा है, तो यहाँ हमारे काम ख़त्म है। अब ये ऐसा हो गया है कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इतना हमने बस इसको ठंडा करना है कि हमारा हाथ इसको बर्दाश्त कर सके, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमने देखें इस तरह से इसको फोल्ड करना है तो ये नरम रहना चाहिए, ठंडा होके ये सख्त हो जाएगा। तो इतना आपने ठंडा करना है कि बस आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। इसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है लंबाई में खींचते खींचते आपने इसको रोल करते जाना है। इसके बाद जो हमने बेसन और मैदे ड्राई रोस्ट किया था वो साथ में शामिल कर देना है इसके ऊपर। इस तरह से इसको लंबा खींचते जाना है, इस तरह से फिर पलट के वापस राउंड शेप, जो बीच का जो सर्कल है वो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपके लच्छे रेडी होंगे। इस तरह से आप आराम आराम से मैदे और बेसन में इसको खींचते जाएंगे और बीच का रोल आपने ख़राब नहीं करना है। थोड़ा सा खींचना है, इतना खींचना है कि आपको लगे कि अब टूटने वाला है, तो आपने फिर इसको ऊपर फोल्ड कर देना है, फिर वापस खींचना स्टार्ट करना है। इतना नहीं खींचना कि आपके तार टूटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जब आप इस तरीके से बेसन और मैदा लगा लगा के इसको खींचते जाएंगे तो इसके तार बनते जाएंगे। बहुत अच्छे से हमारे लच्छे जो है वो रेडी हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बस इसका खींचने का काम है सारा, कि आपने बहुत ध्यान से इसको खींचते जाना है, मैदा और बेसन जो हमने रेडी किया था वो लगा लगा के, ताकि ये जो है वो ड्राई भी होता रहे और इसके अच्छे से तार भी बनते रहें, ठीक है। इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। देखें कितने अच्छे ये हमारे जो है लच्छे रेडी हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, डेकोरेशन के लिए एक प्याली लेनी है छोटे साइज़ की,
जिसमें आप नीचे जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, बादाम है, पिस्ता है, वो डालना है। थोड़ा सा लच्छा लेना है, उसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। इसके बाद एक प्लेट में इसको पलट के सर्व कर देना। इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इस तरह से आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।